हाय एवरीवन, मैं हूँ रुचि और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुक विद रुचि में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी और टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप बेसन, उसमें डाला है मैंने नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें डाली है मैंने थोड़ी वेजेस जैसे कि शिमला मिर्च, डाला है मैंने प्याज और डाला है मैंने टमाटर और खूब सारा हरा धनिया। इन सबको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप किया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल के एक बैटर बना लेंगे। ये बैटर थोड़ा पतला होना चाहिए, आपके पकौड़े के बैटर के जैसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें आधा कप ही पानी का इस्तेमाल किया, थोड़ा कम इस्तेमाल किया है आधे कप से, बट इतना मुझे ठीक लगा कंसिस्टेंसी। हम इसे कप में डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे दो ब्रेड स्लाइस लिए हैं, मैंने ब्रेड्स को सेंटर में से रोल आउट कट कर लिया है। तवे पे मैं बटर लगा रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा बटर में ही इन चीज़ों को सेकना पसंद करती हूँ। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने राउंडल्स कट किए हुए ब्रेड है वो रखेंगे। आपके पास तवे पे स्केलेट पे जितने भी राउंडल्स एक साथ आ सकते हैं आप उतने रख सकते हैं। मेरे यहाँ पे आराम से दो का काम हो सकता है इसलिए मैं दो का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें जो बैटर डाला था वो इस तरह से डाल दूंगी और थोड़ा सा सिकने दूंगी, और जो राउंडल्स बीच में काटे थे वो मैं इस तरह से दबा के प्रेस कर दूंगी। ये वाला ब्रेकफास्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसमें टोस्ट का भी मज़ा आता है, आप कहेंगे चीले का भी मज़ा आता है, ब्रेड पकौड़ा का भी मज़ा आता है। तो इसमें तीन तीन फ्लेवर्स मिल जाते हैं, तो ये फ्लेवर बहुत ही यम्मी लगता है। तो हम इसे अब देख सकते हैं पलट रहे हैं कितने अच्छे सिक गया है, बट इसे आप हमेशा लो फ्लेम पे सेकिए, नहीं तो हाई फ्लेम पे इसे बाहर बाहर से सिकेगा और अंदर से आपका जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही यम्मी आता है। आप कहेंगे अगर आप एग को कर पा रहे हैं, लग रहा है याद कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर इस रेसिपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से पका है या नहीं पका है, क्योंकि बाहर से तो दिख गया आपको कि बेसन बिल्कुल अच्छे से पक गया है, पर अंदर से नहीं पता लग रहा कि बेसन अच्छे से पका है या नहीं पका है, तो वो भी देख लिया। ये देखिए हमारा जो बेसन है वो अंदर तक पक चुका है। तो ये हमारे एक नया तरह का ब्रेकफास्ट है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग। चैनल के साथ बने रहने के लिए